आयुक्त मगध प्रमंडल असंगवा चुवा आओ एवं पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया राकेश राठी द्वारा अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अवस्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त ने कंट्रोल रूम में लगाए गए कर्मियों की ड्यूटी में अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने दरवाजे पर चिपकाए हुए ड्यूटी चार्ट का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, ड्यूटी चार्ट के अनुरूप सभी कर्मी उपस्थित रहे एवं जो कर्मी अनुपस्थित रहेंगे उनके जगह पर एक बैकअप में कर्मियों की टीम रहेगी। रोस्टर वाले कर्मी अनुपस्थित रहेंगे तो बैकअप में रहे। अटेंडेंट रजिस्टर में रोस्टर वाले अधिकारी डॉक्टर एवं कर्मी हाजिरी बना रहे हैं या नहीं, ये देखना है। आयुक्त ने उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटर को तिथिवार अटेंडेंट चार्ट बनवाकर सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों के नाम अंकित करें तथा सभी रोस्टर के अनुसार संबंधित कर्मी अपना हस्ताक्षर तिथिवार करते रहेंगे। उन्होंने कहा, अटेंडेंट चार्ट को दीवार पर चिपका दें ताकि सभी वरीय इसकी निगरानी कर सकें। आयुक्त ने कंट्रोल रूम में आने वाले कॉल की जानकारी ली। उपस्थित कर्मी द्वारा बताया गया पेशेंट के समस्या से संबंधित दवाओं की उपलब्धता से संबंधित, डिस्चार्ज करने से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित अलग अलग फोन कॉल आ रहे हैं। आयुक्त ने सहायक समाहर्ता सौरभ सुमन यादव को निर्देश दिया कि जो शिकायतें आ रहे हैं उनका अलग अलग मास्टर लॉग बनाएं ताकि संबंधित सेक्टर से फॉलो अप आसानी से लिया जा सके। उन्होंने कहा, ANMMCH अस्पताल में एडमिट मरीज यदि कंट्रोल रूम से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो उसे प्राथमिकता देकर उनका रिस्पांस दें। उन्होंने कहा, अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा बेड की उपलब्धता की जानकारी लेना चाहे तो उन्हें बताया जा सके और उन्हें एडमिट किया जा सके। तो सेंट्रल रिसर्च लैबोरेटरी में टूनेट मशीन से किए जा रहे सैंपल जांच का जायजा लिया। उपस्थित टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कुल 77 सैंपल उपलब्ध हुए हैं। पूर्व के 100 सैंपल लंबित हैं, अब तक कुल 177 सैंपल यहां उपलब्ध है। टेक्नीशियन द्वारा बताया गया सभी सैंपल के रिपोर्ट आने पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। आयुक्त ने ऑपरेटर की संख्या बढ़ाकर सैंपल जांच बैकलॉग को खत्म करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत RT-PCR जांच लैब का निरीक्षण किया। लैब टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कि 94 सैंपल की जांच की जाती है तथा एक दिन में 2 शिफ्ट जांच होते हैं। आयुक्त ने काम करने वाले सभी टेक्नीशियन को कहा, बहुत सारे आम लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है। उन्होंने कहा कि आप सभी इस COVID-19 के सिचुएशन में काफी मेहनत से कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फ्लू कॉर्नर के समीप मजबूती से बैरिकेटिंग कराने का निर्देश भवन निर्माण विभाग को दिया। इसके उपरांत उन्होंने फ्लू काउंटर एवं रजिस्ट्रेशन काउंटर के समीप पब्लिक अटेंडेंस सिस्टम लगाने का निर्देश दिया। आगे आयुक्त ने कहा, मरीजों को रजिस्ट्रेशन कराने के पूर्व टोकन सिस्टम की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन का काउंटर पर खड़े रहने के लिए लाइनिंग खिंचवाने का निर्देश दिया ताकि लोग सामाजिक दूरी पर लाइन में खड़ी रह सकें। इसके उपरांत उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल के प्राचार्य कक्ष के समीप कॉन्फ्रेंस हॉल में संबंधित डॉक्टर एवं पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में आयुक्त ने L1, L2 एवं L3
सेंटर में लगाए गए सभी बेडों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया। वेंटिलेटर में रखे गए मरीज एवं ऑक्सीजन में लगाए गए मरीजों पर विशेष निगरानी रखें। उन्होंने कहा, खासकर वैसे मरीजों पर विशेष निगरानी रखें। L1, L2 एवं L3 सेक्टर के नोडल पदाधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर रहें। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में मरीजों के टेस्टिंग के संबंध में आयुक्त ने सिस्टोमेटिक मरीजों को RTPCR से जांच कराने का निर्देश दिया। बैठक में L2 सेंटर के नोडल पदाधिकारी बताया कि चिकित्सक रूम, पारा मेडिकल स्टाफ रूम एवं नर्स के कमरों में मरीजों का बेड लगा दिया गया है, जिसके कारण डॉक्टर, पारा मेडिकल स्टाफ एवं नर्स को ड्यूटी करने में काफी कठिनाई हो रही है। आयुक्त ने अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल को L2 के संबंधित कमरों से बेडों को कहीं अलग शिफ्ट करने का तत्काल निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा, मरीजों को विशेष रूप से देख रेख के लिए CCTV कैमरा लगाया जाए, जिसकी मॉनिटरिंग L2 के चिकित्सक कक्ष से किया जाएगा। दवा की व्यवस्था के संबंध में बताया कि डायबिटीज मरीजों के लिए इंसुलिन एवं अन्य दवाएं भी दवा की उपलब्धता पर उन्होंने बताया कि डायबिटीज मरीजों के लिए इंसुलिन एवं अन्य दवाएं की कमी है। आयुक्त ने कहा, जरूरत पड़ने पर अति महत्वपूर्ण दवाएं अधीक्षक ANMCH के माध्यम से मंगवाएं। L3 सेक्टर के नोडल डॉक्टर ने ऑक्सीजन अलार्म सिस्टम लगवाने का अनुरोध किया, ताकि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल आसानी से पता चल सके। उन्होंने सभी नोडल डॉक्टर को आपस में समन्वय रखने को कहा, ताकि किस मरीज को कहां एडमिट करना है। उन्होंने कहा, मरीजों को डॉक्टर से बात करने के लिए वीडियो इंटरकॉम मशीन लगाएं, ताकि एडमिट मरीज डॉक्टर से आमने सामने बात कर सके। उन्होंने कहा कि फ्लू कॉर्नर के समीप प्रत्येक घंटे सैनिटाइजेशन लगातार करवाते रहें। आयुक्त ने फुट ऑपरेटिंग सैनिटाइजिंग मशीन 2-3 स्थानों पर लगवाने का निर्देश दिया, ताकि लोग आसानी से पैर से दबाकर अपने हाथों को सैनिटाइज कर सके। L2 वार्ड के 16 बेडों में 2 दिनों के अंदर ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई का काम कराने का दिशा निर्देश दिया। सभी लक्षण वाले व्यक्तियों का स्पॉट पर ही जांच कर लेने की सलाह दी। कंट्रोल रूम में लगे दूरभाष संख्या 06312210201 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। उन्होंने अधीक्षक अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल को निर्देश दिया कि अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था कंट्रोल रूम में रखें। उन्होंने प्रभारी नर्सिंग से बात कर उनकी समस्याओं को सुना। आयुक्त ने सभी चिकित्सक एवं पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिन्हें जो जिम्मेवारी दी गई है उसे 100% पालन करें, पूरी जिम्मेवारी के साथ कार्य करें, तभी कोरोना हारेगा। आयुक्त ने चिकित्सकों को कई टिप्स दिए कोरोना से बचाव के लिए। And press the bell icon.